हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लर्नो पीडिया पे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सीटी के पास्ट ईयर क्वेश्चंस ऑफ एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, विच इज अ टॉपिक फ्रॉम प्लेन्स। तो दोस्तों, अगर आप ये वीडियो स्टार्ट टू एंड ध्यान से देखोगे तो आपको अगर सीटी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसके 2 मार्क्स इजिली सिक्योर हो जाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पास्ट ईयर क्वेश्चंस ऑफ एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। तो दोस्तों, डायरेक्टली ये पास्ट ईयर क्वेश्चंस देखने से पहले पहले हम देखते हैं इस टॉपिक के लिए लगने वाले हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। तो दोस्तों, अगर हमें लाइन का इक्वेशन दिया है एज एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए वन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी वन इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी वन, और हमें प्लेन का इक्वेशन दिया है ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड प्लस डी टू इज इक्वल टू जीरो, देन ये लाइन और ये प्लेन के बीच में एंगल रहेगा इस फॉर्मूला के हिसाब से, जो कि है साइन थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे मॉड साइन के अंदर ये ए वन इंटू ये वाला ए टू प्लस यहां से हमें मिलेगा बी वन और ये वाई का कोएफिशिएंट हमें मिलेगा बी टू, तो उसका मल्टीप्लीकेशन आएगा यहाँ पे, देन प्लस सी वन इंटू सी टू, तो सी वन हमें मिलेगा यहां से और सी टू हमें मिलेगा जेड का कोएफिशिएंट, और देन अपॉन में आएगा अंडर रूट ये ए वन प्लस बी वन प्लस सी वन इन तीनों का स्क्वायर, सो अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर इंटू अगेन अंडर रूट ये ए टू बी टू और सी टू के स्क्वायर का एडिशन, जो कि आएगा यहाँ पे ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला है साइन थीटा इज इक्वल टू ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू, और अपॉन में यहाँ पे आएगा अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर इंटू अंडर रूट ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर, और इसके बाहर यहाँ पे आएगा मॉड वाला साइन। तो दोस्तों, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है टू फाइंड एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, और इफ इन केस दिस लाइन इज पैरेलल टू दी प्लेन तो उस केस में क्या होगा। तो अगर ये लाइन ये प्लेन को पैरेलल है तो इसका मतलब रहेगा कि ये थीटा का वैल्यू है जीरो। तो दोस्तों, अगर थीटा का वैल्यू है जीरो डिग्री तो यहाँ पे साइन क्या आएगा, तो साइन आएगा जीरो, और साइन जीरो का वैल्यू होता है जीरो। तो दोस्तों, अगर हम ये डिनोमिनेटर को यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा जीरो इंटू डिनोमिनेटर, मतलब यहाँ पे हमारा आंसर आएगा अगेन जीरो, तो जिससे हमें क्या मिलेगा ये सिर्फ ये न्यूमरेटर इज इक्वल टू जीरो। तो ये न्यूमरेटर क्या है, तो वो है ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इज इक्वल टू जीरो। तो दोस्तों, आपको ये फॉर्मूला के साथ ये वाला कंडीशन भी याद रखना है, जो कि है इफ द लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन, तो अगर ये लाइन और प्लेन के बीच में एंगल है थीटा इज इक्वल टू जीरो, देन ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इज इक्वल टू आएगा जीरो। तो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और ये वाला इंपॉर्टेंट कंडीशन देखने के बाद अभी हम देखते हैं हमारे इंपॉर्टेंट पास्ट ईयर क्वेश्चंस ऑफ एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा फर्स्ट सम है द साइन ऑफ एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन, जिसका इक्वेशन दिया है एक्स माइनस टू अपॉन थ्री इज इक्वल टू वाई माइनस थ्री अपॉन फोर इज इक्वल टू जेड माइनस फोर अपॉन फाइव, एंड द प्लेन जो कि है टू एक्स माइनस टू वाई प्लस जेड इज इक्वल टू फाइव इज हाउ मच। तो दोस्तों, हमें यहाँ पे साइन ऑफ दिस एंगल फाइंड करना है, जो एंगल है बिटवीन दिस लाइन एंड दिस प्लेन। तो दोस्तों, अभी जस्ट हमने एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन का फॉर्मूला देखा था। तो दोस्तों, उस फॉर्मूला के हिसाब से ये अपॉन में जो थ्री है वो बनेगा हमारा ए वन का वैल्यू, ये फोर बनेगा हमारा बी वन का वैल्यू, और ये फाइव बनेगा हमारा सी वन का वैल्यू। सिमिलरली यहाँ पे ये एक्स का कोएफिशिएंट बनेगा हमारा ए टू का वैल्यू, ये वाई का कोएफिशिएंट वो बनेगा हमारा बी टू का वैल्यू, और ये जेड का कोएफिशिएंट बनेगा हमारा सी टू का वैल्यू। तो दोस्तों, अभी हमें बस ये सारे वैल्यूज हमारे फॉर्मूला में पुट करने हैं। तो दोस्तों, अभी हमारे फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू क्या आएगा, तो हमारा साइन थीटा का वैल्यू आएगा साइन थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे पहले आएगा ए वन इंटू ए टू, सो ये थ्री इंटू ये टू, सो ये थ्री इंटू टू बनेगा यहाँ पे सिक्स, देन ये फोर इंटू ये माइनस टू तो वो बनेगा यहाँ पे माइनस एट, देन ये फाइव मतलब सी वन
इंटू यहाँ पे सी टू, तो जेड का कोएफिशिएंट है 1, सो 5 × 1 बनेगा यहाँ पे प्लस 5। देन अभी यहाँ पे अपॉन में क्या आएगा, तो यहाँ पे अपॉन में आएगा अंडर रूट A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर आएगा यहाँ पे 9, प्लस ये 4 का स्क्वायर आएगा 16, प्लस ये 5 का स्क्वायर आएगा यहाँ पे 25, इंटू अगेन अंडर रूट यहाँ पे आएगा A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर और ये C2 का स्क्वायर। सो यहाँ पे A2 है 2, तो उसका स्क्वायर आएगा 4। देन ये है B2 जो कि है -2, तो उसका स्क्वायर भी आएगा 4। देन यहाँ पे अगेन प्लस साइन और ये C2 जो कि है 1, तो 1 का स्क्वायर आएगा अगेन 1। तो दोस्तों अभी ये सिंप्लीफाई करके क्या बनेगा, तो ये 6 + 5 बनेगा यहाँ पे 11, 11 - 8 आएगा यहाँ पे 3, और देन यहाँ पे अपॉन में क्या आएगा, सो 9 + 16 बनेगा यहाँ पे 25, प्लस ये है 25, सो 25 + 25 बनेगा यहाँ पे 50। तो दोस्तों हम 50 को कैसे लिख सकते हैं, तो हम 50 को इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 25 × 2, देन यहाँ पे आएगा इंटू और ये अंडर रूट 4 + 4 + 1, तो ये बनेगा अंडर रूट 9, तो रूट 9 का आंसर आता है 3। तो दोस्तों यहाँ पे ये नीचे वाला 3 और ये न्यूमरेटर वाला 3 हो जाएंगे कट, तो यहाँ पे क्या क्या बचेगा अभी, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में बचेगा 1 और यहाँ पे अपॉन में आएगा अभी ये 25, यहाँ पे रूट से बाहर निकल जाएगा, तो ये बनेगा यहाँ पे 5 और यहाँ पे आएगा अंडर रूट 2। तो दोस्तों हमने ये 50 को ये 25 × 2 ऐसे क्यों लिखा था, तो हमने ये ऐसे लिखा था जिसकी वजह से ये 25 यहाँ पे डायरेक्टली बाहर आ सकता है, तो ये 25 ये रूट के बाहर आके बनेगा यहाँ पे 5 और अंडर रूट बचेगा यहाँ पे सिर्फ ये 2। तो दोस्तों जनरली हम ये √2 को अपॉन में नहीं रखते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हमें ये √2 को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय √2, और इसी के लिए हमें उसे न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी वजह से अभी हमारा फाइनल आंसर क्या बनेगा, तो न्यूमरेटर में आएगा यहाँ पे √2 और यहाँ पे अपॉन में आएगा ये 5 × ये √2 × √2 बनेगा 2, सो 5 × 2 यहाँ पे अपॉन में आएगा 10। तो दोस्तों हमारा साइन थीटा का फाइनल आंसर आएगा √2/10, तो इसमें से हमारा फाइनल आंसर है ऑप्शन सी। तो देखा दोस्तों ये बहुत ही सिंपल सा सम है जिसे सॉल्व करके आप सीईटी के एग्जाम में इजीली 2 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे लर्नोपीडिया चैनल को, सो दैट हमें ऐसे और भी नए नए इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहेगा। और दोस्तों अगर आपको ऐसे लगता है कि ये वीडियो आपके बाकी सारे 12th के फ्रेंड्स को भी यूजफुल हो सकता है देन प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एज वेल। तो चलिए अभी देखते हैं हमारा नेक्स्ट वाला सम। देन दोस्तों हमारा नेक्स्ट सम है एंगल बिटवीन द लाइन आर बार इज इक्वल टू 2i - j + k + λ × - i + j + k एंड द प्लेन आर बार इंटू 3i + 2j - k इज इक्वल टू 4 इज हाउ मच। तो दोस्तों यहाँ पे भी हमें अगेन एंगल बिटवीन ये लाइन एंड दिस प्लेन फाइंड करना है, बट दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमें ये लाइन का और ये प्लेन का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्मेट में नहीं दिया है, यहाँ पे हमें ये दोनों भी इक्वेशन दिए हैं इन पोलर फॉर्मेट। तो दोस्तों ये प्लेन वाले इक्वेशन में तो हमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि ये आई जे और ये के कोएफिशिएंट को हम डायरेक्टली A2 B2 और C2 के जैसे यूज कर सकते हैं, बट दोस्तों अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से आपको अभी A1 B1 और C1 के वैल्यू कौन से वाले आई जे के से लेने हैं वो आपको यहाँ पे डिसाइड करना है। तो दोस्तों हमने जो कार्टेशियन इक्वेशन वाला फॉर्मूला देखा था उसके हिसाब से हमने वो डिनोमिनेटर वाले वैल्यू चूज किए थे, तो दोस्तों वो डिनोमिनेटर वाले वैल्यूज मतलब क्या थे, तो वो थे उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज। तो दोस्तों लाइन के ये पोलर वाले फॉर्मेट के हिसाब से उसके डायरेक्शन रेशियोज कौन से होते हैं, तो जो भी इस लैम्बडा को ये कनेक्टेड वाला जो आई जे के वाला जो इक्वेशन होता है उसमें से हमें मिलते हैं डायरेक्शन रेशियोज वाले वैल्यू, तो इसी रीजन से ये आई जे और ये के से हमें उनके कोएफिशिएंट से मिलेंगे A1 B1 और ये C1 के वैल्यू। और दोस्तों यहाँ पे हमारे पास ये A2 B2 और C2 के वैल्यू तो प्रेजेंट है, तो दोस्तों इसका यूज करके अभी हम फाइंड कर सकते हैं एंगल बिटवीन दिस लाइन एंड दिस प्लेन। तो दोस्तों चलिए अभी हम अप्लाई करते हैं हमारा एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन वाला फॉर्मूला। तो दोस्तों उस फॉर्मूला के हिसाब से पहले आएगा यहाँ पे ये A1 मतलब ये आई का कोएफिशिएंट जो कि है -1 इंटू ये वाले आई का कोएफिशिएंट जो कि है 3, सो -1 इंटू 3 बनेगा यहाँ पे
-3, देन ये +1 इंटू ये +2, तो वो बनेगा यहाँ पे +2 इंटू ये +1 इंटू -1, तो वो आएगा यहाँ पे -1। देन यहाँ पे अभी अपॉन में क्या आएगा, तो यहाँ पे अपॉन में आएगा अंडर रूट a1 का स्क्वायर। सो यहाँ पे है -1, तो -1 का स्क्वायर आएगा 1, देन यहाँ पे +1 का स्क्वायर आएगा 1, और यहाँ पे भी है 1, तो उसका भी स्क्वायर आएगा अगेन 1 इंटू, यहाँ पे अगेन आएगा अंडर रूट, देन ये 3 का स्क्वायर जो कि है 9, देन ये 2 का स्क्वायर मतलब b2 का स्क्वायर, तो वो आएगा 4, देन प्लस ये -1 का स्क्वायर आएगा यहाँ पे 1। तो दोस्तों अभी बस हमें इसे सिंप्लीफाई करना है टू गेट द फाइनल आंसर। सो ये -3 -1, तो वो बनेगा -4 प्लस ये 2, सो -4 प्लस 2 बनेगा यहाँ पे -2, देन यहाँ पे अपॉन में क्या आएगा, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 बनेगा ये 3, सो यहाँ पे आएगा अंडर रूट 3 इंटू 9 प्लस 4 बनेगा 13 प्लस 1 बनेगा 14, सो यहाँ पे आएगा अंडर रूट 14। तो दोस्तों अभी ये क्या बनेगा आगे, सो न्यूमरेटर में तो आएगा -2, और यहाँ पे अपॉन में ये अंडर रूट में आएगा ये 3 इंटू 14 बनेगा 42, सो यहाँ पे आएगा अंडर रूट 42। तो दोस्तों ये तो बन गया हमारा साइन थीटा का वैल्यू, बट अभी हमें क्या फाइंड करना है, तो हमें फाइंड करना है एंगल का वैल्यू, मतलब सिर्फ थीटा का वैल्यू। तो दोस्तों हमारा थीटा का वैल्यू क्या आएगा, तो वो आएगा साइन इनवर्स ऑफ, क्योंकि ये साइन यहाँ पे चला जाएगा, तो यहाँ पे आएगा साइन इनवर्स ऑफ -2 अपॉन अंडर रूट 42। तो दोस्तों ये बनेगा हमारा फाइनल आंसर, तो इसमें से हमारा ऑप्शन सी अगेन राइट है, तो ये बनेगा हमारा फाइनल आंसर। देन दोस्तों हमारा नेक्स्ट सम है, इफ द एंगल थीटा बिटवीन द लाइन एक्स प्लस 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू जेड माइनस 2 अपॉन 2 एंड द प्लेन 2x माइनस वाई प्लस अंडर रूट लैम्बडा जेड प्लस 4 इज इक्वल टू 0 इज साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, देन फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्बडा, और हमें दिए हैं ये वाले ऑप्शंस। तो दोस्तों यहाँ पे हमें लाइन का ये वाला इक्वेशन दिया है, देन प्लेन का ये वाला इक्वेशन दिया है, और हमें ये साइन थीटा का वैल्यू दिया है एज 1/3। तो दोस्तों अगेन हमें सेम फॉर्मूला यूज करके फाइंड करना है वैल्यू ऑफ लैम्बडा। तो दोस्तों यहाँ पे अभी हमें ये वाले सम में अगेन कार्टेशियन वाला फॉर्मेट दिया है, तो डायरेक्टली ये डायरेक्शन रेशियोज वो बन जाएंगे हमारे a1, b1 और c1 के वैल्यू, और यहां से हमें मिलेंगे a2, b2 और c2 के वैल्यू। तो चलिए अभी हम डायरेक्टली अप्लाई करते हैं हमारा सेम वाला फॉर्मूला। तो उसके हिसाब से पहले आएगा a1 इंटू a2, सो 1 इंटू 2 आएगा यहाँ पे 2, देन ये 2 इंटू -1, तो वो बनेगा -2, देन ये 2 इंटू ये अंडर रूट लैम्बडा, तो वो बनेगा प्लस 2 अंडर रूट लैम्बडा। देन अभी यहाँ पे अपॉन में क्या क्या आएगा, तो यहाँ पे अपॉन में आएगा अंडर रूट ये 1 का स्क्वायर आएगा 1 प्लस ये 2 का स्क्वायर आएगा यहाँ पे 4 प्लस ये वाले 2 का स्क्वायर भी आएगा 4 इंटू, यहाँ पे अभी आएगा अंडर रूट ये 2 का स्क्वायर आएगा यहाँ पे 4, देन यहाँ पे है -1, तो उसका स्क्वायर आएगा +1, और यहाँ पे है जेड का कोएफिशिएंट अंडर रूट लैम्बडा, तो उसका स्क्वायर आएगा सिर्फ लैम्बडा, क्योंकि अंडर रूट लैम्बडा का स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे ये रूट साइन उसका निकल जाएगा, और इज इक्वल टू यहाँ पे है साइन थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू है यहाँ पे डायरेक्टली 1/3। तो दोस्तों अभी हमें बस इसे सिंप्लीफाई करना है टू फाइंड वैल्यू ऑफ दिस लैम्बडा। तो दोस्तों अभी यहाँ पे ये +2 और ये वाला -2 कट हो जाएंगे, देन इसके बाद अगर हम ये 3 से इस साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो बनेगा 3 इंटू 2 मतलब 6 अंडर रूट लैम्बडा, और देन यहाँ पे अपॉन में क्या क्या बचेगा, तो यहाँ पे अपॉन में है 1 प्लस 4 प्लस 4, तो ये बनेगा 9, सो अंडर रूट 9 मतलब बनेगा 3 इंटू, यहाँ पे है 4 प्लस 1 मतलब अंडर रूट 5 प्लस लैम्बडा, और इज इक्वल टू यहाँ पे सिर्फ बचा है ये न्यूमरेटर वाला 1, क्योंकि ये अपॉन वाले 3 को तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। देन दोस्तों अभी अगर हम ये 3 से इस 6 को कट करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 2, सो देयरफॉर यहाँ पे अभी लेफ्ट साइड में बचेगा 2 अंडर रूट लैम्बडा इज इक्वल टू, अगर हम ये डिनोमिनेटर को यहाँ पे लेंगे, तो वो बनेगा अंडर रूट 5 प्लस लैम्बडा। तो दोस्तों अभी हमें दोनों साइड को भी करना है स्क्वायर, तो जिससे हमें मिलेगा ये 2 अंडर रूट लैम्बडा का स्क्वायर आएगा, तो 2 का स्क्वायर बनेगा 4
और ये अंडर रूट लैम्डा का स्क्वायर आएगा सिर्फ लैम्डा, और यहाँ पे ये स्क्वायर करने के बाद ये स्क्वायर रूट वाला साइन निकल जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 5 प्लस लैम्डा। तो अगर ये राइट हैंड साइड वाला लैम्डा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा तो यहाँ पे आएगा 4 लैम्डा माइनस लैम्डा, तो वो बनेगा सिर्फ 3 लैम्डा इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा 5, तो जिसकी वजह से हमें लैम्डा का वैल्यू मिलेगा एज 5/3। तो दोस्तों इसमें से हमारा फाइनल आंसर बनेगा ऑप्शन डी। तो देखा दोस्तों ये बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस है, इसमें बस आपको ये कैलकुलेशंस पे थोड़ा ध्यान देना है। तो दोस्तों अभी तक आपको अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो देन प्लीज इस वीडियो को जाके लाइक कीजिए। और दोस्तों इस स्नैपशॉट के हिसाब से 90% से भी ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे वीडियोस को विदाउट सब्सक्राइब किए हुए ही देखते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस सच में हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आपको ऐसे और भी नए नए वीडियोस आते ही आपको इंस्टेंटली नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और आपके सब्सक्राइब करने से ही हमें ऐसे और भी नए नए इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो प्लीज हमारे लर्नोपीडिया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। देन दोस्तों हमारा नेक्स्ट सम है द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द स्ट्रेट लाइन एक्स माइनस लैम्डा अपॉन 3 इज इक्वल टू वाई माइनस वन अपॉन 2 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू जेड माइनस 3 अपॉन माइनस 1 मे लाई ऑन द प्लेन एक्स माइनस 2 वाई इज इक्वल टू 0 इज हाउ मच, और हमें दिए हैं ये वाले ऑप्शंस। तो दोस्तों यहाँ पे हमें कहा है कि ये लाइन लाई कर रही है ऑन दिस प्लेन, तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये जो प्लेन दिया है उसी के ऊपर ये लाइन भी लाई कर रही है। तो दोस्तों इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसी का मीनिंग है कि ये लाइन और ये प्लेन एक दूसरे को है पैरेलल, क्योंकि ये प्लेन के ऊपर ही ये वाली लाइन लाई कर रही है। तो दोस्तों इसी का ये भी मतलब हुआ कि ये लाइन और ये प्लेन के बीच में एंगल है 0 डिग्री। तो दोस्तों ये वाले कंडीशन के लिए हमने एक सेपरेट इक्वेशन देखा था, जो इक्वेशन था a1a2 + b1b2 + c1c2 = 0। तो दोस्तों अभी हमें बस ये a1b1c1 और ये a2b2c2 के वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करने हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस लैम्डा। तो दोस्तों अभी यहाँ पे हमारे a1 b1 और c1 के वैल्यू है यहाँ पे डिनोमिनेटर वाले, और यहां से हमें मिलेंगे a2 b2 और c2 के वैल्यू। तो दोस्तों अभी हमारे फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पे क्या आएगा, सो यहाँ पे है ये a1 इंटू यहाँ पे a2 है 1, सो 3 × 1 बनेगा पहले 3, देन यहाँ पे b1 का वैल्यू है 2 + λ इंटू b2 का वैल्यू है -2, तो यहाँ पे आएगा -2 × 2 + λ। देन अगेन यहाँ पे आगे आएगा ये c1 है -1 इंटू यहाँ पे z का कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, तो इसका मतलब है हमारे c2 का वैल्यू है 0, सो 0 × -1 यहाँ पे बनेगा 0 इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे राइट हैंड साइड में क्या था, तो यहाँ पे भी था 0। तो दोस्तों अभी हमें बस इसे सिंप्लीफाई करना है, तो दोस्तों यहां से अभी हमें क्या मिलेगा, तो ये 3 रहेगा एज इट इज, देन ये -2 × 2 तो वो बनेगा -4, देन ये -2 + λ तो वो बनेगा -2 λ = 0, सो देयर फोर ये -2 λ यहाँ पे चला जाएगा राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 2 λ = 3 - 4 क्या बनेगा, तो वो बनेगा -1, सो देयर फोर λ = -1/2। तो दोस्तों इसके लिए हमारा इसमें से फाइनल आंसर बनेगा ऑप्शन सी, जो कि है -1/2। देन दोस्तों हमारा नेक्स्ट सम है द लाइन एक्स माइनस 2/3 इज इक्वल टू वाई माइनस 3/4 इज इक्वल टू जेड माइनस 4/5 इज पैरेलल टू द प्लेन। तो दोस्तों ये लाइन किस प्लेन को पैरेलल है वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो दोस्तों अगर लाइन प्लेन को पैरेलल है तो उसके लिए हमारे पास एक ही कंडीशन है, जो कि है a1a2 + b1b2 + c1c2 = 0। तो दोस्तों उसके लिए अभी हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए अभी हमें 1/1 केस में a1a2 + b1b2 + c1c2 का आंसर फाइंड करके वो चेक करना पड़ेगा कि वो इज इक्वल टू 0 है कि नहीं है। तो जिस केस में हमारा a1a2 + b1b2 + c1c2 का आंसर आता है 0, तो वो वाला प्लेन रहेगा पैरेलल टू दिस लाइन। तो चलिए हम वो वाला कंडीशन ये सारे ऑप्शंस पे अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों ये 3, ये 4 और ये 5 बनेंगे हमारे a1, b1 और c1 के वैल्यू, और देन हमारे ये ऑप्शन ए के हिसाब से हमारा a2 का वैल्यू है 3, b2 का वैल्यू है 4 और c2 का वैल्यू है 5। तो अभी हमें बस इन्हें मल्टीप्लाई करना है और हमें चेक करना है
कि उनका एडिशन जीरो आता है या फिर नहीं। तो पहले ये 3 इंटू ये वाला 3, तो वो बनेगा 9। देन यहाँ पे आएगा प्लस 4 इंटू 4, तो वो बनेगा 16। प्लस 5 इंटू 5, तो वो बनेगा 25। तो दोस्तों अगर हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो वो जीरो तो नहीं आने वाला, तो ये ऑप्शन तो हो गया कैंसल्ड आउट। देन दोस्तों अभी सेकेंड ऑप्शन के हिसाब से ये 3 इंटू ये वाला 2, तो वो बनेगा 6। देन ये 4 इंटू यहाँ पे है 1, तो वो बनेगा +4। देन ये 5 इंटू यहाँ पे है -2, तो वो बनेगा -10। तो दोस्तों 6 प्लस 4 बनेगा 10, और 10 माइनस 10 बनेगा यहाँ पे 0। तो दोस्तों ये वाला ऑप्शन शायद हो सकता है राइट। बट दोस्तों डायरेक्टली इसे हम फाइनल आंसर कंसीडर नहीं करेंगे, पहले हम ये सी और डी को भी चेक कर लेते हैं। तो ये 3 इंटू यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट है 1, सो 3 इंटू 1 बनेगा 3। 4 इंटू यहाँ पे भी है 1, सो वो भी बनेगा +4। देन 5 इंटू -1, तो वो बनेगा -5। सो 3 प्लस 4 बनेगा 7, 7 माइनस 5 भी 2 आता है, तो वो भी नॉट इक्वल टू 0 है। देन ये 3 इंटू 2, तो वो बनेगा 6। 4 इंटू 3 बनेगा यहाँ पे 12। देन 5 इंटू 4 बनेगा यहाँ पे 20। तो दोस्तों इसका भी एडिशन आएगा नॉट इक्वल टू 0। तो दोस्तों इन चारों में से हमारे सिर्फ ये बी वाले कंडीशन में हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया है, तो इसी के लिए ये बी आएगा हमारा फाइनल आंसर। तो इसी का मतलब है कि ये गिवन लाइन इज पैरेलल टू दिस प्लेन, जो कि है 2x + y - 2z इज इक्वल टू 0। तो देखा दोस्तों ये पैरेलल कंडीशन वाले सम्स भी बहुत ही इजी है। तो अगर ये वाले सम भी अगर आपको एग्जाम में मिलते हैं तो भी आपके एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन के ये 2 मार्क्स इजीली सिक्योर हो जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से कंप्लीट होते हैं हमारे सीटी के पास्ट ईयर क्वेश्चंस ऑफ एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, विच इज अ टॉपिक फ्रॉम प्लेन्स। तो दोस्तों इस टॉपिक के ऊपर आपको प्रैक्टिस सम्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और दोस्तों अगर आपको आज के इस वीडियो में जरा सा भी कुछ डाउट रहेगा देन यू कैन प्लीज कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। और दोस्तों अगर आपको हमारे लाइन्स एंड प्लेन्स के बाकी सारे बेसिक वीडियोस या फिर सीईटी के ट्रिक्स के वीडियोस अगर आपको देखने हैं तो उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर यहाँ पे ऊपर आई बटन में। और दोस्तों अगर आपको हमारा ये आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो देन प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। और ऐसे ही हमारे नए नए इंपॉर्टेंट वीडियोस आते ही अगर आप चाहते हो कि आपको भी इसका इंस्टेंटली नोटिफिकेशन मिल जाए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे लर्नोपीडिया चैनल को। और अगर आपको ऐसे लगता है कि ये सारे वीडियोस आपके 12th के बाकी सारे फ्रेंड्स को भी यूजफुल हो सकते हैं देन प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एज वेल। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। तो चलिए दोस्तों जल्दी से मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले वीडियो में एक नए वाले इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ।